नमस्कार दोस्तों, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा घंटी को भी बजा दें ताकि परीक्षा से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिल सकें। राजस्थान में तथा केंद्र में होने वाली सभी परीक्षा से संबंधित अपडेट तथा स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पर अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है कुछ जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आए हुए हैं। तो निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? गोराउड। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग। बोराट का पठार जिसके मध्य स्थित है वह है कुंभलगढ़ और गोगुंदा। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है मावठ। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती वह है प्रतापगढ़। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? 25 सेंटीमीटर। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है 67%। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः भीड़ प्रभावित हैं? कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। निम्न में से सही युग्म नहीं है बनास सागी, ये गलत है। निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? बाणगंगा। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, यह कथन ए है। कारण है इसका, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। ए सही है, आर गलत है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? ओशिया, शेरगढ़। निम्न में से राजस्थान में किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? नागौर में। आहाड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये गलत है। बैराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? डीआर भंडारकर के। निम्न अंकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? सुलेमान ने। अरुणोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें एक, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों सही हैं। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा? उल्गू खां के। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खजाइन उल फुतह। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राजचिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? झाला अज्जा ने। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो इसका है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन जने लड़े थे। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय काट कट कातु की उपाधि धारण की थी? महाराणा राज सिंह ने।
पंडित नैनू राम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? कोटा से। संघ सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? राजस्थान केसरी। निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भोगीलाल पांड्या। शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? 3। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मल्लीनाथ जी पिलपिचायक, ये सुमेलित नहीं है। संत माऊजी का संबंध है डूंगरपुर से। निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे? जाम्बोजी। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और अबानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन से स्थापत्य शैली में बने हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली में। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? मांडलगढ़ को। गोपाल उदय हुकमा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? आमेर जयपुर शैली से। राजस्थान के प्रसिद्ध बैणेश्वर मेला किस माह में भरता है? माघ माह में। जयपुर में तीज की सवारी किस महीने में निकाली जाती है? सावन में। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? राव बुद्ध सिंह। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूपों में किया जाता है? गौरी। राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया था 18 जनवरी 1999 को। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है जिसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल सी सही है, बाकी गलत हैं। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे मोहन मुखर्जी। इनको सुमेलित कीजिए। शासन सचिव नीति निर्माण, परियोजना अधिकारी कार्यक्रम क्रियान्वयन, अनुभाग अधिकारी संपूर्ण पर्यवेक्षण, सहायक नेत्यक लिपिकीय कार्य। इसका सेकंड सही है, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे राज प्रमुख। राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है जिसका अर्थ है वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। सुमिलित करें, इसका आंसर है थर्ड। जगन्नाथ पाडिया 1980 से 81, बरकतुल्ला खां 1977 से 80, भैरव सिंह शेखावत 1971 से 73, मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 57। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विदित मुख्य प्रमुख हैं राज्य के राज्यपाल। राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है चारों कार्य करता है, ABCD फर्स्ट सही है। नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए और बी दोनों सही हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बी और डी दोनों सही हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का भाग है? अनुच्छेद 48। भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति किसने प्रारंभ की? नरेंद्र मोदी ने। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है 29 मदें। निम्न में से किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है? न्याय आपके द्वार में। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन की योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पारित किया
निम्न में से कौन उस परियोजना का हिस्सा नहीं है? रतन बिहारी जी बीकानेर नहीं है। बीस से इक्कीस अगस्त 2016 को जयपुर में आयोजित ब्रिक्स महिला सांसद सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सुमित्रा महाजन ने। राजस्थान से राज्यसभा के पूर्व सांसद वीपी सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? पंजाब का। 18 जून 2016 को प्रथम बार महिला लड़ाकू विमान पायलटों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इनमें से राजस्थान से कौन है? मोहना सिंह। निम्न में से कौन राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है? डॉक्टर अनंत कुमार। राजस्थान राज्य के 3000 मीटर स्टीपल चेज के ओलंपियन एवं राष्ट्रीय कीर्तिमान एथलीट का नाम है श्री गोपाल सैनी। राजस्थान राज्य के किस अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज को 2016 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया? अपूर्वी चंदेला को। अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु राजस्थान राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड। 2016 में राजस्थान राज्य के द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त मुक्केबाज प्रशिक्षक का नाम है सागरमल धायल। कृषि वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ 196.22 लाख टन। 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2007 से 2012 के मध्य कमी हुई है 18.86%। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है श्वेत क्रांति से। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है जोधपुर में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक उद्यान की फसलों की प्रीमियम दर है 5%। 12 वर्षीय विद्यार्थी सोन की बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी? 9। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं अल्फ्रेड बिने। निम्नलिखित में से कौन एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है? पावलाव। कौन सा विप्रेरणा का घटक नहीं है? रटंत स्मृति। कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? निर्देशन। एल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत कहते हैं, नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया है स्किनर ने। मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? शिक्षा मनोविज्ञान। पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? वुंड के द्वारा। टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता? तार्किकता। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया वक्तव्य व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है सुडोल का है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? मॉर्गन और मूरे के द्वारा। अच्छे समायोजन की विशेषताएं होती हैं सहनशीलता। टर्मन के अनुसार अत्यु उत्कृष्ट रखते हैं 120 से 25 बुद्धि लब्धि। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्पीयरमैन के द्वारा। निम्न से अभिव्यक्ति मापन की विधि नहीं है इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल। निम्न में से कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? गति करना। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है बाधा निराकरण। निम्न में से ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वतीय शिखर कौन सा है? कौसी उसको। पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 22 अप्रैल। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवने हैं उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवने। मलक्का जलडमरू मध्य अलग करता है मलेशिया और सुमात्रा को।
कौन सी सुमेलित नहीं है? ह्वांग है, मीन, ये सुमेलित नहीं है। भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है 8° 4' उत्तर से 37° 6' उत्तर व 68° 7' पूर्व से 97° 25' पूर्व। सेकंड इसका सही है। निम्न में से कौन से प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? अन्नाई मुडी। उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी बहुने किस तट के सारे वर्षा करती है? कोरोमंडल तट के सारे। डियागो गार्सिया द्वीप जहां स्थित है वह है हिंद महासागर में। गंगा की सहायक नदी नहीं है, मानस नदी। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल पे। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि परीक्षा से संबंधित जो मैं लेटेस्ट अपडेट इसमें जो जिसके वीडियो बनाऊं वो आपको लगातार मिल सकें। धन्यवाद।